आज हम डिस्कशन करेंगे ब्लॉगर के बारे में। ब्लॉगर से अकाउंट कैसे बनाते हैं और ब्लॉगर से पैसा कैसे कमाते हैं, उस पर आज डिस्कशन करके पूरी तरीके से मैं एक ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा कि आपको ब्लॉग कैसे बनाना है और किसे इसको मोनेटाइजेशन करना है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। गूगल में सर्च कीजिए blogger.com। आ गया ब्लॉगर, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे मेरा ब्लॉग है ऑलरेडी, मैं और एक नया ब्लॉग बना के दिखा दूंगा कैसे ब्लॉग बनाते हैं। मैंने अभी अभी नया ब्लॉग एक बना था, देखिए जो न्यू ब्लॉग लिख रहा है तो पीछे में यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ आप ब्लॉगर का नाम दीजिए, सपोज ब्लॉग का नाम है ऑनलाइन मनी। यहाँ आपका डोमेन नेम चूज करना होगा, डोमेन नाम सपोज मैं रख देता हूँ टेक्निकल। एबीसी इस नाम में डोमेन नेम है या नहीं चेक कर रहा है। देखिए चेकिंग एड्रेस अवेलेबिलिटी, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल लिख रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे तो हम डिजिट दे देंगे, 12 लिख देंगे, टेक्निकल एबीसी 12। दिस ब्लॉग इज अवेलेबल, ओके। हमें यहाँ बहुत सारे थीम मिल रहे हैं, थीम को आपको चूज करना है कौन सा थीम आपको अच्छा लगेगा का ब्लॉग को। सपोज ये थीम हम चूज कर लिए, यहाँ क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कीजिए। ये ब्लॉग क्रिएट हो गया। ये मांग रहा है कि इस नाम से आप कुछ डोमेन खरीदना चाहते, कस्टम डोमेन खरीदना चाहते हैं क्या, मांग रहा था, तो हमें नहीं खरीदना है, हमें इसी डोमेन से। देखिए यह हमारा हो गया ब्लॉगर अकाउंट, हमारा जो ये डोमेन नेम है यही है टेक्निकल एबीसी 12 प्लस blogspot.in, ओके। ये हमारा ब्लॉग, सपोज हम कुछ पोस्ट डालेंगे, देखिए न्यू पोस्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ आ गया, आप पोस्ट का टाइटल लिख दीजिए, हाउ टू मैक इलेक्ट्रिक बाइक,
हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक बाइक, सपोज ये टाइटल का नाम रहा और यहाँ आपको सारे पोस्ट लिखना है इलेक्ट्रिक बाइक इज कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड बाय पावर्ड व्हीकल। ऐसे आपको पोस्ट लिखना है, जो भी आपको लिखना है। पोस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पब्लिश पर सेव करना है, यहाँ सेव, सेव होने के बाद आपको पब्लिश करना है, डायरेक्ट पब्लिश करना है। देखिए ये आपका पोस्ट रेडी हो गया, हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक बाइक। आप फिर व्यू ब्लॉग पर जाइए, देखिए आपका ब्लॉग कैसे दिखता है। देखिए इलेक्ट्रिक बाइक, हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक बाइक, ये छोटा सा ब्लॉग है, मैं कम लिखा है, तो आप इससे बहुत बड़ा लिख सकते हैं। तो ये हुआ टाइटल, हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक बाइक, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये पोस्ट ओपन हुआ। ऐसे आप आपका अपना ब्लॉग बना सकते हैं। चलिए हम इसका व्यूज भी देख सकते हैं, कितना पेज व्यू हुआ। नेट तो स्लो हो गया, रिफ्रेश मार दिया। देखिए मैंने, हमने जो दो बार क्लिक किया ब्लॉग को व्यू किया, इसलिए ये दो व्यू दिखाता है। आप इसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, आपको एटलीस्ट 30 पोस्ट लिखना है, 30 पोस्ट, और इसको रैंक कराना है, ये साइट को रैंक कराना है। इसके पर आप कैसे रैंक करेंगे ब्लॉग को, इसके पर ब्लॉग यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और मैं आगे आने वाले समय में इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए आप इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे, यहाँ अर्निंग पर क्लिक कीजिए, देखिए ये आ गया गूगल एडसेंस, टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट। ये आपको प्रॉफिट, आपका पैशन को प्रॉफिट में बदलेगा। पैशन मतलब आपका किसी चीज़ में पसंद है, लिखने का आपका पैशन है, अच्छा लगता है, तो उसी पर आप ब्लॉग बनाएंगे। तो आप जो चीज़ जो नीच चाहे वो नीच पर आप मत लिखिए, आपको जो चीज़ पसंद है। सपोज आपका फिल्म दुनिया के बारे में बहुत सारे पसंद है, फिल्म दुनिया के बारे में आप बहुत जानते हैं, तो उस पर ब्लॉग बनाइए। टेक्निकल दुनिया पर आपको मालूम है, तो उस पर ब्लॉग बनाइए। जिस सब्जेक्ट पर आपका नॉलेज है उसी पर ब्लॉग बनाइए। आप कुछ भी चीज़ पर आप लिखेंगे तो आप अच्छा नहीं लिख सकते, आपका जो जिस पर पैशन है, जिसका आप लिखने पर जुनून है, उसी चीज़ पर बनाएगा। इसलिए लिख रहा है टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट, हाउ टू क्वालिफाई फॉर एडसेंस। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको आर्टिकल मिलेगा, कैसे आप ये 30 डेज के बाद ये आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल के लिए परमिशन देता है। लेकिन
देखिए ये सारे आर्टिकल से आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं गूगल एडसेंस को। गूगल एडसेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपका कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब आपका क्वालिफिकेशन मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, मैंने ब्लॉग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ब्लॉग को व्यूज आना चाहिए और ब्लॉग का पोस्ट भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो आपको ये अप्रूवल दे देगा। ये सारे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, हम इस पर नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगा। ये 30 डेज के बाद आपको एडसेंस साइन अप करने के लिए ऑप्शन मिलेगा यहाँ, और साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद ये आपको अप्रूवल कर देगा और वहाँ से ऐड कोड लेके आपको ऐड लगाना है। देखिए यहाँ सेटिंग पर जाइए, सेटिंग पर जो डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन पर आप आपका ब्लॉग के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप ब्लॉग किसके बारे में है यहाँ आप लिख के सेव एंड चेंज कर सकते हैं। देखिए आपका जो डोमेन नेम है जो टेक्निकल abc12plusblogspot.com, इसको आप यहाँ एडिट कर सकते हैं, आप कुछ भी बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं करना है। आपको चेंज करना है तो आपको एक कस्टम डोमेन लगाना है। कस्टम डोमेन मतलब जैसे ये blogger.com है, google.com डायरेक्ट, मतलब इसमें इसके बीच में ब्लॉगस्पॉट ये सारे कुछ नहीं आएगा, इसलिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो बाद में आप करेंगे, अभी इसी पर काम चलाएगा। और ये ब्लॉग बड़ा होने के बाद आप इसमें कस्टम डोमेन लगा सकते हैं। कस्टम डोमेन लगाने के लिए आपको थर्ड पार्टी से ले सकते हैं या यहाँ से डायरेक्ट खरीदें। यहाँ डायरेक्ट खरीदने से आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए आपको थर्ड पार्टी से खरीदना। थर्ड पार्टी मतलब गोडाडी, बिग रॉक, ये सारे बहुत सारे कंपनी हैं, वहाँ आपका डोमेन नेम खरीद सकते हैं। देखिए सर्च प्रेफरेंस, सर्च प्रेफरेंस मतलब आप ये एक SEO का पार्ट है, तो आपका पोस्ट को कोई सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, क्या सर्च करेगा इस पर आपको लिखना होगा। देखिए मेटा टैग डिजेबल है, यहाँ आपको एनाबल करना होगा। एडिट पर क्लिक करके आपको यस पर क्लिक करिए, यहाँ आपको मांग रहा है डिस्क्रिप्शन, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हाउ टू मेक मनी, फ्रॉम टी बिजनेस, ऐसे कुछ भी आपका ब्लॉग जिसके बारे में ऐसे उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप 150 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, लिखने के बाद यहाँ सेव चेंजेस करेंगे। देखिए सक्सेसफुली सेव हो गया। कस्टम पेज नॉट फाउंड गला, गूगल सर्च कंसोल। इसके बाद आपको आपका साइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होगा, गूगल और गूगल साइट मैप में सबमिट करना होगा। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये वीडियो आज के लिए इतना ही है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।